दोस्तों, हरी सब्जियां और मौसमी फल सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं और कुंदरू भी एक ऐसी ही मौसमी हरी सब्जी है जिसे स्वाद और सेहत के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है। कुंदरू में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को कई समस्याओं से दूर रखने में मदद करते हैं। कुंदरू को विटामिन, मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है। और इतना ही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, गर्मी के दिनों में बहुत ही आसानी से मिलने वाली सब्जी है और कुंदरू के फायदों के बारे में कहने ही क्या। इससे भी बड़ी बात होती है दोस्तों, कुंदरू काफी ज्यादा सस्ता मिलता है। आपको मार्केट में ये 10 या फिर 20 रुपए पाव के हिसाब से मिल जाता है। कुंदरू जो होता है खाने में भी टेस्टी लगता है, इसे हम बिना मसालों के साथ भी बना सकते हैं। कुंदरू के बहुत सारे फायदे ऐसे हैं जिनसे लोग अनजान होते हैं। कुंदरू के क्या फायदे हैं, साथ ही ये हमारे शुगर पर कैसे हेल्प करता है, अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो कुंदरू खाने से उसको क्या हेल्प मिल सकती है, शुगर कैसे डाउन हो सकता है, आज की इस वीडियो में मैं इन सारी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ। कुंदरू में एंटी डायबिटिक गुण पाए गए हैं। इसमें चारेंटीन और पॉलीपेप्टाइड जैसे यौगिक होते हैं जो हमारे ब्लड शुगर के जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करते हैं, साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करने में हेल्प करते हैं। कुंदरू जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए या फिर अगर डायबिटीज से होने वाला कोई रिस्क है इसको रोकने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व विटामिन ए सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी में इम्यून पावर को बढ़ाता है, ये आप सभी को पता होता है। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। और अगर रिसर्च की बात करें तो कुंदरू में बहुत ही मात्रा में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं जो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है, ब्लड वेसल्स को साफ करता है और हार्ट की पंपिंग को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको अपने खाने में कुंदरू को जरूर शामिल करना चाहिए। कुंदरू में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव पाया जाता है जिससे हमारा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने में मदद मिलती है। इसके अलावा कुंदरू जो दूसरा काम बहुत अच्छा करता है दोस्तों, वो होता है मोटापा घटाने का काम। अगर आप अपने वेट की समस्या से परेशान है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो कुंदरू फाइबर से भरपूर होता है, इसको खाने से आसानी से आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। कुंदरू खाने के बाद लंबे समय तक आपका पेट भरा भरा रहता है। इसमें फाइबर होता है जो वेट लॉस में मदद करता है। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो कुंदरू को अपने खाने का हिस्सा जरूर बनाइए। वैसे भी आपने देखा है कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको बड़ा ही सोच समझकर खाना खाना पड़ता है। खानपान में गड़बड़ी की वजह से या फिर ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। ऐसे में जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको कुंदरू खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। इस तरीके से हमें अपना वेट लॉस और शुगर दोनों को सही रखने में कुंदरू हेल्प करेगा। कुंदरू में जो एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, वो हमें किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके अलावा कुंदरू में आयरन, कैल्शियम, विटामिन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो हमारी बॉडी को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने में मदद करता है। अगर आपको हार्ट की समस्या है यानी कि आप बीपी के पेशेंट हैं या फिर आपके घर में किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो कुंदरू में ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे हार्ट से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। इसमें पाए जाते हैं फ्लेवोनॉइड्स जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं। ये हमारे दिल को स्वस्थ और उसको एक्टिव रखने में मदद करते हैं। हार्ट को प्रॉब्लम को जो बढ़ाने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कुंदरू कम करता है। अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, आपको स्किन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, तो इसमें त्वचा के अनुकूल गुण मौजूद हैं। यह विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है जो हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन करता है। कुंदरू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से होने वाली जो हमारी स्किन को डैमेज होते हैं उनसे लड़ने में भी ये हेल्प करता है। इस प्रकार से अगर आपको हेल्दी और शाइनी स्किन चाहिए तो कुंदरू का सेवन आवश्यक होता है। इसके अलावा कुंदरू एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है, शरीर में हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और यही फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में कैंसर, हृदय रोग को बढ़ावा देते हैं जिससे लड़ने में कुंदरू बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है।
शरीर में अगर आपके आयरन की कमी है, आयरन की कमी की वजह से थकान होती है, डायबिटीज़ की वजह से थकान होती है, आपको लगता है कि आपको थोड़ी ही पैदल चलने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलने की समस्या है, आयरन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, कभी हमारी एड़ियों में दर्द होता है, कभी पूरी शरीर में दर्द होता है, हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, ऐसे में आप कुंदरू का सेवन करिए। कुंदरू में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो थकान को दूर भगाने में मदद करता है, और इस समस्या से निजात पाने के लिए कुंदरू को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। डेली अगर आप एक प्लेट भर के कुंदरू की सब्जी खाते हैं एकदम सिंपल तरीके से, तो कुंदरू जो है आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों कुंदरू के फायदे तो मैंने गिना दिए, यहाँ पर मैं आपके साथ कुंदरू की एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी, जिसको देखने के बाद आप उसको आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए कुंदरू को आप इस तरह से अच्छे से वॉश करिए, ऊपर और नीचे का हिस्सा कट करके कुंदरू को चार पीसेस में चॉप कर लीजिए। यहाँ पर मैंने कुंदरू को लंबे पीसेस में काटा है, आप चाहें तो कुंदरू को गोल गोल स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। कुंदरू को काटने के बाद जो है कुछ भी नहीं करना, आपको कढ़ाई में लेना है थोड़ा सा तेल। तो मैंने 2 छोटे चम्मच भर के तेल लिए हैं, तेल में डाला है जीरे का तड़का, और इस तेल को हो सके तो ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर तिल का तेल, इस तरह की बनाएंगे, इस तरह के ऑयल में इस सब्जी को बनाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि वेट लॉस के लिए या फिर डायबिटीज या बीपी के पेशेंट के लिए ये सब्जी बहुत ही गुणकारी होती है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, लाल मिर्च आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश लाल मिर्च डाली है और कुंदरू को डाल दिया है। कुंदरू को डालने के बाद हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो सॉल्ट कम रखिए या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए। उसके बाद से आपको नमक डालने के बाद सब्जी को अच्छे से मिला लेना है। सब्जी को मिलाने के बाद ऑयल में बस हमें यहाँ पर इसको ढक के पकाना है, ना ही मैं कोई मसाले ऐड करने वाली हूँ ना ही कुछ और दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। 5 मिनट के लिए सब्जी को सिम फ्लेम पर ढक दीजिए, ढक्कन लगाकर इसे छोड़ देते हैं। सब्जी थोड़ा सा पानी स्क्वीज करती है, 5 मिनट के बाद इसको वापस से चेक करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी इस टाइम तक सॉफ्ट हो जाती है। कुंदरू को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में ही सब्जियाँ बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो जाती हैं। अभी हमारी सब्जी लगभग 80% कुक हो चुकी है। इस टाइम पर जब सब्जी हमारी थोड़ी सी कुक हो जाए तो बस मैं लेने वाली हूँ काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप साबुत काली मिर्च के 8-10 दानों को भी दरदरा करके इस सब्जी में डाल सकते हैं। इस काली मिर्च के पाउडर से सब्जी को मिलता है एक बढ़िया सा फ्लेवर, साथ ही काली मिर्च जो होता है वो हमारे बीपी शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। काली मिर्च को मिलाइए, सब्जी को वापस से 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। 2 मिनट में सब्जी पूरी कुक हो जाएगी, फ्लेम को सिम ही रखिएगा और देखिए 2 मिनट के बाद सब्जी अच्छे से जब सॉफ्ट हो गई है तो हम ढक्कन को हटाएंगे, सब्जी को चला फिराकर 1 से 2 मिनट और आप चाहें तो फ्राई कर लें। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो ऑयल को आप छान कर भी निकाल सकते हैं। बस ये सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इसके बाद से इस सब्जी को सर्व करिए रोटी पूरी पराठों के साथ। सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। होप करती हूँ दोस्तों आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।